फैमिली आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं अम्बाला और आए तो इतना तासे के साथ स्वागत हुआ यहाँ पर। और हम तो थोड़ा सा माहौल बना भी दिए हैं तो सब लोग थोड़ा डांस वांस कर लिए हैं लोग, अच्छा लगा है। जो आप लोग देखिएगा प्रिंस राज एंड मॉम की जोड़ी मेन आईडी बोलिए ना। तो चलिए और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। तो इस बार आए हैं तो देखें इस रूम में का पर्दा चेंज हो गया है, यहाँ देखिए पर्दा दूसरा लगा है। और यहाँ पूजा सोई है, अपना बबिया को चुप करा रही है और ये कंबल भी मिला है ओढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि अभी हम लोग का बेड इसमें रहेगा कि कहाँ जाएगा, तो सेटिंग होगा कि हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन सब सोचेंगे कि पूरा फैमिली एक साथ रहे लोग तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हंसी मजाक बातचीत होते रहेगा। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। अभी गई है रंजना बाथरूम फ्रेश होने, नहाने धोने। और हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड है तो देखते हैं कि हम अभी नहाएंगे कि क्या 5 से ऊपर हो गया है, तो सुबह में देखा जाए। वैसे जिस दिन हम लोग कभी नहीं नहाते थे तुम वही बोलती थी के रह जला लो। सही में अभी मन भी नहीं कर रहा है कि हम ऐसे रहे हैं, लेकिन तबियत खराब हो जाएगा। अब लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ ठंडा है, पानी भी ठंडे है, गीजर का भी कोई नहीं है, है लगा है गीजर लेकिन अरे ठंडा पानी कितना रखी है जी तुम यहाँ, तो ठंडा है तो ठंडा पानी आ रहा है, पानी गीजर का नहीं आया है। गीजर तो आया, चल ही रहा है, उसको चलाना पड़ता है। चला दो थोड़ा, चला दिए चलाना पड़ता है कि हाँ तो चला के छोड़ दो हम तो के नहीं तो ऑन रहता है ना, फिर कितना बार ऐसे होता है कि नहा रहे थे ना तो फेस में वो साबुन गिर गया, नहीं ऐसे साबुन लगा लिए बाल धो लिए थे, उसके बाद से क्या हुआ कि फेस में लगा लिए तो जो बकेट में पानी था ना वो गर्म था तो उसे धोए तो गर्म लगा। उसके बाद से ना खोलना चाहिए बगल वाला गीजर क्योंकि आँख में लग गया था, और वही वाला खोल दी एकदम हाथ में एकदम गर्म पानी आ गया, जल गया तो मेरा हाथ अभी ठंडा पानी पड़ रहा है ना तो वो छनछना रहा है। तब तुम्हारा कैसा लगा हम लोग आए तो यहाँ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अब तो तुम बहुरानी बन गई फिर से। हाँ। बहू बन गई है, तो साड़ी पहन ली है आज तो। हाँ, अब पल्लू रख रही है, अच्छा लगेगा ना जैसा रहता है वैसे लगाना पड़ेगा। ये पिन पता है इसको भी जैकेट की वजह से यहाँ पे क्योंकि इधर से पूरा दिक्कत। तब तुमको क्या मन है आगे का प्लान, क्या करना है, घर चलना है? हाँ, पहले पार्टी वार्टी अटेंड कर लिया जाए और छुटकी आई है घर पे तो और अच्छा लग रहा है। सब फर्स्ट टाइम आई है लेकिन लड्डू नहीं आया है, अभी सब कोई हमसे पूछ रहा है लड्डू नहीं आया है, लड्डू के पापा नहीं आए तो हाई आई है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम तो बोले कि हम सबका वेलकम करने में इनका वेलकम ही भूल गए, आई अंदर आ गई थी मेरा वीडियो में। तो ये छोटी ननद है, इसका भी वेलकम नहीं की, इसका एक बार हो चुका है, दूसरी बार आई है ये पहली बार तो मैं है इसलिए तो जरूरी तरह था ना तो नहीं पता है क्या वो ना जो पैर का वो निशान लेना था तो इधर कलर रख दिए थे इसलिए चले गए। क्या हुआ था ना ये अनकंफर्टेबल रहना नहीं पसंद करती है इसका। आपको कैसा लगा हम लोग को आना देख के? अरे मामी जी खुशी का बात है, हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको कैसा लगा वेलकम करने के लिए? नहीं हम लोग वेलकम करने के लिए, वो पहले से आया तो हमारा वेलकम करेंगे ना, उसको मिल चुका है ना सारा बर्थ सर्टिफिकेट, वो वही का है तो वो तो यही की हो गई है उसका सारा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर सब। आप तो आए थे जिस गाड़ी से तो पूरा पक गए थे, हम लोग भी पक गए। तो गाइस हम लोग भी बहुत माने डिले करके गाड़ी आई है, बहुत दिक्कत हुआ है और बहुत लेट हो गया है। अब देखिए जब जब हम शूट करने आए तो हमारा ब्लॉग ऐसा ही बनता है गाइस, और मेरे चैनल को खूब आप लोग प्यार दीजिएगा क्योंकि अब वही चैनल मेरा सहारा है, उसी का बल पे चलना है, जिसमें ऑलरेडी 1,17,000 पहले ही कहा है मेरा। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? आपको तो बहुत अच्छा पे दूध दे सकते हैं और प्रिंस भैया और यहाँ पर अनुष्का ये अभी आज रात से और ज्यादा
आज रात से पता है क्या और ये रहे भैया बोल रहे आज रात को ना और भी ज्यादा लोग आ जाएंगे ना तो सबका कैमरा ऐसे ऑन रहेगा तो सबका एक हाथ ऊपर रहेगा और एक हाथ से बातचीत होएगा तो ऐसा दिखने वाला है थोड़ी देर के बाद बस अभी कितना हो गया 5 डेढ़ घंटे के बाद और भी भर जाएगा घर तो मजा आएगा और ये रहे अंकल जी तो आपको आके कैसा लग रहा है बहुत मंजूर लग रहा है। हे गाइस तो देखिए यहाँ आने के बाद से वो नाश्ता मिला है और जो आधा खा चुके हैं लो आधा फिनिश हो गया है चाय आया है और मिक्सचर आया है और यहाँ पर देखिए गाइस सब लोग का कप मेरा भी यहाँ अलग कप है यहाँ मेरा भी कप अलग है तो अब दिखाएंगे आप लोगों को खाना में क्या क्या मिलता है सब चीज़ मेरा घर है तो पहले देखें कि क्या किचन में बना है क्या अब तो लेट हो चुका है 5 बज गया है तो चलते हैं देखने चलिए आप लोग रंजना तुम आज ही उतरी थी क्या भाई पूछ रोना मत रंजना इनको देखे ढोलो बजाते कोई कॉलेज में पढ़ता तो नहीं क्या पता पता करते हैं रुको ना अरे वाह सार्थक तौर पे आई है पहले आज भी जो कर रहे हैं
एकदम लग रहा है एकदम काम पर क्या करो ना, इतना ज्यादा बर्फ लग रहा है आपके ऊपर के बाद आप जाकर सो जाओ। बोलो बजा दी बुझ गई बुझ गई कैसे बचता है दिल्ली तब मम्मी मस्त लगाना सब। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को हम लोग करते हैं खत्म, और होना भी चाहिए। मम्मी जी ठंडा लग रहा था नहीं ट्रेन में नहीं लग रहा था, यहाँ ठंडा लग रहा है पता लग रहा है। हम लोग खा रहे थे, हम लोग बैठ के खा रहे थे। हमारी गाड़ी आगे थी।